आज मैं बताऊंगा कि एक्रेलिक हैंडल का टीमिंग कैसे मारते हैं। तो उसके लिए आपको जो हैंडल है, ये मेरे पास हैंडल है मेरे पास, तो इसके हिसाब से ये पट्टी है ना, इसके हिसाब से मैंने ये पट्टी कटवा दिया है। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे एकदम परफेक्ट पट्टी कटवाना कि ना ही बाहर निकले ना ही अंदर है। तो ये पट्टी यहाँ पे हैंडल जिधर लगेगा, देखिए दोस्तों इधर इधर घेरी मारा हुआ है, इधर ऐसे रखने का है और टीमर मारने का है। दोस्तों टीमर बहुत ही रिस्की काम है, बहुत ही ध्यान से मारना है दोस्तों, थोड़ा भी मिस हुआ शटर खराब हो जाए। साइड का टीमर मारने के लिए ये वाला, ये लाइन का टीमर मारने के लिए आपको दोस्तों ये लकड़ी इधर एज बेंडिंग पे इसको लेबल रखना है। तो दोस्तों इसको लेबल रख के ही टीमर मारना है, तो मैं मार के दिखा देता हूँ। मैंने मार दिया है, अब ये तैयार है सेंडिंग और बफिंग के लिए। इसको सेंडिंग करेंगे और बफिंग करेंगे। ये टीमर का प्रोसेस है दोस्तों, और मैं डायरेक्ट रेडियस ही मारता हूँ दोस्तों, स्ट्रेट नहीं मारता हूँ। सेंडिंग करने जा रहा हूँ ये शटर को, और ये रहा पेपर, 400 का पेपर है दोस्तों। बफिंग इसको सेंडिंग कर दिया हूँ, अब मैं इसमें बफिंग मारूंगा। और एक भाई ने हमें कमेंट करके पूछा था कि आप बफिंग के लिए क्या यूज़ करते हो, तो दोस्तों मैं ये डीजल यूज़ करता हूँ, ये डीजल सोप है। दोस्तों ये देखिए बफिंग मार दिया हूँ, कितना अच्छा शाइनिंग आया है। और ये रैपिंग भी मैं थोड़ा निकाल के आपको दिखा देता हूँ।